सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिक टिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है, माना जाता है, और मैं मानता हूं ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। साथियों, इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव गुलामी के लंबे कालखंड में असंख्य बलिदान देकर हमने ये आजादी हासिल की है। इस आजादी की रक्षा करने का दायित्व हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे है, हम सबकी जिम्मेवारी है। आजादी के अमृत काल में हमारे सामने नए लक्ष्य हैं, नए संकल्प हैं, नई चुनौतियां भी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। दुर्भाग्य से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए ये मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा। हमें टेक्नोलॉजी के मामले में झुकना पड़ता था, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, नए हथियार नए उपकरण खरीदने होते थे तो प्रक्रिया सालों साल चलती रहती थी। यानी एक अफसर फाइल शुरू करें वो रिटायर हो जाए तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी, ऐसा ही कालखंड था। नतीजा ये कि जरूरत के समय हथियार फिर आपाधापी में खरीदे जाते थे, यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे।